अल्लाह ताला फरमाता है यानी मुहाजरीन और अनसार में से जिन्होंने इस्लाम लाने में सप्पत और अवलीत का शरफ हासिल किया और वो लोग जिन्होंने नेकुकारी में उनकी इत्तबा की अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश हैं Allah ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे ये बड़ी कामयाबी है सहाबा कर राम की जमात में महाजरीन और अंसार अफसल हैं, फिर अंसार पर महाजरीन को फजीलत हासिल है और महाजरीन पर अशर मुबशरा को फजीलत हासिल है नबी अक्रम सल्लाम का इर्शाद है अबू बकर जन्नत में हैं, उमर जन्नत में हैं, उस्मान जन्नत में हैं, अली जन्नत में हैं, तलहा जन्नत में हैं, जुबैर जन्नत में है रहमान बिन औफ जन्नत में हैं, साद बिन अबी वकास जन्नत में हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नत में हैं, सईद बिन जैत जन्नत में है इस हदीस को तिरमजी और इब्ने माजा ने सैयदिना अब्दुल बिन औफ और सैदिना है सैयदिना का हाल सुनाते हैं। आप हमारे प्यारे नबी सुनिया में तशरीफ लाने के कोई पच्चीस साल बाद पैदा हुए जिस वक्त नबी सलम ने नब्त का एलान फरमाया आप उस वक्त पंद्रह साल के थे इस तरह वो पांच सौ छियानवे ईस्वी में पैदा हुए मां बाप, बाप ने नाम तलहा रखा कुत अबू मोहम्मद थी ये उनके बेटे के नाम पर थी आपका ताल्लुक और मरतबे में किसी से कम नहीं थी बाप का नाम था, आप अबू बकर के करीब रिश्तेदार थे सिलसिले नसब आगे चलकर नबी सलम से मिल जाता है वालद ने इस्लाम का जमाना नहीं पाया वालदा का नाम साबा था उन्हें रसूलुल्लाह की सहाबिया बनने का शरफ हासिल है लंबी उम्र पाई और उस्मान के दौर में फौत हुई। तलहा के के बचपन हालात किताबों में बहुत कम मिलते हैं लिखना पढ़ना जानते थे और कुरैश के उन चंद गिने चुने लोगों में से थे जो नब्वत के वक्त लिखे पढ़े थे जवानी की उम्र को पहुंचे तो बाप दादा की तिजारत का पेशा इख्तियार बचपन ही में यतीम हो गए थे इसलिए जवानी की उम्र को पहुंचते ही कारोबार के सिलसिले में दूसरे मुल्कों का सफर शुरू कर दिया उम्र का सोलह साल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का एलान फरमाया इस्लाम लाने के बारे में खुद फरमाते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो मैं अपने कारोबार के सिलसिले में मुल्क शाम के शहर बुसरा गया हुआ था वहाँ एक गिरजे में एक ईसाई दुर्वेश को देखा जो पूछ रहा था कि आजकल मक्के से कोई शख्स आया हुआ है मैं फौरन उसके नजदीक गया और कहा मैं मक्के से आया हूँ क्या अहमद नबी जाहिर हो चुके हैं मैंने कहा कौन अहमद उसने कहा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। हमारी किताबों के मुताबिक यही उनके जाहिर होने का जमाना है वो दुनिया में आखिरी नबी होंगे तुम वापस जाकर फौरन अपना हाथ उनके हाथ में दे देना मैं बुसरा से मक्का वापस आया लोगों से पूछा क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई खास वाक पेश आया है लोगों ने बताया हाँ मोहम्मद बिन ने नबी होने का दावा किया है और अबू बकर ने उनका दीन कबूल कर लिया है मैं ये सुनकर फौरन अबू बकर के पास गया मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है उन्होंने कहा हाँ वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाते हैं तुम भी उनकी दावत कबूल कर लो मैंने ईसाई आलम से जो कुछ सुना था उन्हें बताया वो बहुत खुश हुए फिर मुझे साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए मैंने आपसे दरखास्त की कि अल्लाह के, के नबी मुझे अपने दीन में दाखिल कर ले आप ये सुनकर खुश हुए और इस तरह मैं भी इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया आप सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं तल्हा बिन उबैदुल्लाह के चचा और बड़े भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह को जब यह मालूम हुआ तो उनको सख्त गुस्सा आया उन्होंने अबू बकर और तलहा दोनों को एक ही रस्सी से बांधकर बहुत मारा पीटा दोनों ने यह मार सब्र और हौसले से बर्दाश्त की कुरैश का एक सरदार नौफल बिन क्वेलत था यह शख्स भी मुसलमानों का सख्त दुश्मन था उसने भी अबू बकर सिद्दीक और तलहा पर बड़े जुल्म तोड़े लेकिन ये दोनों चट्टान की तरह अपने दीन पर कायम रहे वालिदा भी शुरू में इस्लाम के खिलाफ थी उनको इस्लाम कबूल करने की खिदमत तो बहुत बहुत में हाजिर होकर सहाबिया बनने का शरफ हासिल किया जब ये किसी तरह इस्लाम छोड़ने पर आमादा न हुए तो इनको इनके हाल पर छोड़ दिया तब तलह अपने कारोबार में फिर से मशगूल हो गए साथ ही नबी वसल्लम की खिदमत में भी बायदगी से हाजिर होने लगे नबूत के तेरहवें साल रसूलुल्लाह ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई उन दिनों सयदना तलहा अपने तजारती काफिले के साथ शाम के सफर पर थे ये शाम से वापस आ रहे थे रास्ते में उनकी मुलाकात नबी सल वसलम से हो गई उन्होंने कुछ शामी कपड़े आप और अबू बकर सिद्धी को पेश किए और बताया की मदीने के लोग बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं फिर वो मक्के की तरफ रवाना हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ अपना सफर जारी रखा सैयदना तलहा ने चंद दिनों के अंदर-अंदर अपने कारोबार को समेटा और फिर मदीने की तरफ रवाना हुए वालिदा ने भी आप के साथ हिजरत की मदीने में आप साथ बिन जुरारा अंसारी के मेहमान बने भाई चारे के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को काब बिन मालिक का भाई बनाया बद्र का मार्का पेश आया तो आपने तलहा बिन उबैदल और सईद बिन जैद को काफिरों की खबर लेने के लिए शाम भेजा जब ये वापस आए तो बद्र की लड़ाई खत्म हो चुकी थी आप दोनों को लड़ाई में शरीक समझा गया इसलिए कि उन्हें काफिरों की खबरें लाने के लिए भेजा गया था और ये काम भी लड़ाई ही का एक हिस्सा था लिहाजा माल गनीमत में से उन्हें भी एक हिस्सा दिया और ये भी फरमाया कि तुम जिहाद के सवाब से महरूम नहीं रहोगे की लड़ाई में भी आप शरीक थे जिस वक्त रसूल सल्हम की हिदायत पर अमल न करने की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़े तो उस वक्त जिन सहाबा ने आपकी हिफाजत के लिए खुद को ढाल बनाया उनमें सैदिना तलहा भी थे काफिर बार बार आपको शहीद करने के इरादे से आपकी तरफ बढ़ते लेकिन आपके जानसार सर धड़ की बाजी लगाकर उन्हें पीछे धकेल देते दे। कई मौकों पर पर आपने फरमाया कोई है जो इन्हें रोके हर मौके एक मौका ऐसा आया कि दूसरे जानेसार काफिरों के घेरे में आ गए अब सिर्फ तलहा बिन उबैद ही नबी के करीब रह गए आप सल्लाम को खतरे में देखकर आप दाएं बाएं आगे पीछे से आने वाले तीरों नेजों और पत्थरों के वार अपने जिस्म पर रोकने लगे अपने खून में नहा गए जिस्म जख्मों से छलनी हो गया लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ले पर अपनी जान कुर्बान करने की तड़प ने उनमें ऐसी ताकत भर दी कि वो बराबर डटे रहे और तलवार चलाते रहे गरज बहुत देर तक इसी तरह आप सल्लल्लाहु की हिफाजत का फर्ज अदा करते रहे यहां तक कि दूसरे सहाबा लौट आए जिनके पांव उखड़ गए थे अब सबने मिलकर काफिरों को पीछे धकेल दिया उधर दूसरे मुसलमानों को भी पता चल गया कि आपकी शहादत की खबर गलत थी चुनाचे वो भी फिर से जमा होकर लड़ने लगे इस तरह काफिर मैदान छोड़कर भाग निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हुए थे इसलिए सईदना तलहा ने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कमर पर सवार करके पहाड़ की चोटी पर पहुंचाया इस मौके पर आपने फरमाया तलहा बिन उबैदुल्ला ने जन्नत वाजिब कर ली काफिरों के भागने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तलहा के जिस्म पर जख्मों को गिना आपको तीर तलवार और नेजे के सत्तर जख्म आए थे एक हाथ पर ऐसा जख्म भी आया जिसका असर सारी जिंदगी रहा ये भी कहा जाता है कि उनका पूरा हाथ हमेशा के लिए शल हो गया और यह भी कहा गया कि दो उंगलियां हमेशा के लिए बेकार हो गई थीं। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जख्म पर जख्म खा रहे थे तो आपने उनके बारे में ये अल्फाज भी इर्शाद फरमाए ये तलहा नहीं खैर है यानी तलहा नेकी और भलाई का नमूना है अबू बकर फरमाया करते थे ओहद का दिन सच पूछो तो तलहा का दिन था उमर फारूक उन्हें देखकर फरमाया करते थे ए तलहा ए ओहद वाले ए साहेब उहद ए ओहद के मर्द मैदान ओहद की लड़ाई के बाद भी जो लड़ाइयां हुई उन सब में भी सयदिना तलहा रसूलुल्लाह के साथ रहे हिजरत के छठे साल जब बेत रिजवान हुई तो उस वक्त भी सयदिना तलहा मौजूद थे इसके बाद आपने खैबर की लड़ाइयों में भी बराबर हिस्सा लिया फतेह मक्का के मौके पर भी आपके साथ थे हुनैन की लड़ाई में भी आप बारह हजार मुजाहिदीन के साथ रवाना हुए उनमें तलहा भी थे इस लड़ाई के शुरू में भी मुसलमानों के पांव उखड़ गए थे ऐसे नाजुक वक्त में सदीना अब्बास ने मुसलमानों को इस तरह आवाज दी ए की जमात ए वो लोगो जिन्होंने दरख्त के नीचे इस्लाम की खातिर जाने कुर्बान करने की बैद की इस आवाज का कानों में पड़ना था कि मुसलमान पलट पड़े और निहायत बहादुरी से लड़कर दुश्मन को शिकस्त दी तबूक की मुहिम के लिए तलहा ने आपकी खिदमत में एक बड़ी रकम पेश की हिजरत के दसवें साल नबी सल्म हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए एक लाख से जायद मुसलमान साथ थे उनमे सैदिना तल्हा भी शरीक थे जिस वक्त आपने हज का एहराम बांधा उस वक्त आप और तलहा के सिवा किसी के पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे विदा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के ग्यारहवें साल वफात पाई आपके लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था अबू बकर सिद्दीक रजी अपनी खिलाफत के जमाने में उनसे बड़े बड़े कामों में मशवरे लेते रहे सवा दो साल की खिलाफत के बाद अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ और उनकी वसीयत के मुताबिक सयदिना उमर फारूक खलीफा बने तो तलहा दिलो जान से उनके हामी और मददगार रहे सैदिना उमर उनका हद दर्जे एहतराम करते उन्हें अपनी मजले से शूरा में शामिल किया उनके मशवरों की हमेशा कदर की शहादत से पहले उमर रजी अल्लाह ने खिलाफत के लिए जो छः नाम दिए थे उनमें सैदिना तलहा का नाम भी शामिल था सयदिना उस्मान की खिलाफत पर मुसलमानों का इत्फाक हो गया सयदिना तलहा उनके दौर में मदीने ही में रहे सैदना उस्मान रजी अल्लाह के बाद सैदना अली रजी अल्लाह खलीफा बने मदीने के मुसलमानों ने उनके हाथ पर बैत कर ली सैयदना तलहा ने भी बैद की लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन लोगों ने सैयदना उस्मान के खिलाफ बगावत की थी उनमें से भी अक्सर ने सैयदना अली से बैत कर ली है और उनके लश्कर में शामिल हो गए हैं तो वो सैयदना जुबैर और दूसरे कुछ सहाबा को लेकर सैयदना अली रजी अल्लाह से मिले उनसे दरख्वास्त की कि कातिलों को पकड़कर शरीयत के मुताबिक सजा दी जाए क्योंकि हमने इस शर्त पर आपसे बैत की थी कि आप मुजरिमों को सजा देंगे सईदना अली ने यह कर फसरा करने वालों की तादाद हजारों में है मौजूदा हालात में उनसे कातिलों का पता चलाना मुश्किल है जरा अमन हो ले फिर तहकीक करके कातिलों को पकड़ा जाएगा उनका जवाब सुनकर सयदना तलहा और जुबैर मक्का तशरीफ ले गए सयदा आयशा हज के सिलसिले में मक्का में मौजूद थी सारे हालात उन्हें बताए इन हजरात ने उन्हें बताया कि मदीने के लोग बहुत परेशान हैं। वो न अपनी हिफाजत कर सकते हैं न उस्मान के खून का बदला ले सकते हैं और अली में कर रह गए हैं इस तरह सैयद आयशा रजीला ने इन दोनों बुजुर्गों से मशवरा किया हालात को सुधारने के लिए बसरा की तरफ रवाना हुई क्योंकि वहाँ सयद तल्हा के हामी बहुत ज्यादा थे रास्ते में बहुत से लोग उनके साथ शामिल होते चले गए उधर सैयदना अली रजी अल्लाह रजियाल्लाहो को लश्कर की आमद की इत्तला मिली वो अपने लश्कर के साथ आगे बढ़े दोनों फौजें बसरा के मकाम पर एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। सुलह की बातचीत की बहुत कोशिश की गई सैयदा आयशा की तरफ से उस्मान का बदला लेने का मुतालबा किया गया सैयदना अली रजियाला ने अपनी मजबूरिया बयान की करीब था कि सुलह हो जाती लेकिन अली रजी अल्लाह अनहो के लश्कर में मौजूद बागियों ने जंग छेड़ दी अब दोनों तरफ से जंग शुरू हो गई दोनों तरफ से बहुत से मुसलमान शहीद हो गए आखिर सैयद आयशा रहा के लश्कर को शिकस्त हुई उस वक्त तक उन्हें महसूस हो चुका था कि लड़ाई साजिशियों की साजिश से शुरू हुई थी चुनाची उन्होंने मुसलमानों से कहा मेरे बच्चों ये लड़ाई गलत फहमी की वजह से हुई इस लड़ाई में चूंकि सैयद आयशा ऊपर सवार थी इसलिए ये जंग जंग, जंग जंग जमल के नाम से मशहूर हुई लड़ाई शुरू होने से पहले सैयदना अली रजी अल्लाहू अन्हु घोड़े पर बैठकर मैदान में आए और सैयदना ज़ुबैर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई याद दिलाई आपने उस वक्त कुछ इस तरह के अल्फाज फरमाए थे ऐ ज़ुबैर तुम अली के मुकाबले पर आओगे उस वक्त तुम गलती पर होगे इन अल्फाज को याद करके सैयदना ज़ुबैर लड़ाई के मैदान से हट आए उन्हें इस तरह देख कर सैदना ने भी मैदान से निकलना चाह चुनाचे अगली सफों से निकल कर पिछली सफों में चले आए इस मौके पर अपने ही लश्कर की तरफ से एक जहरीला तीर आया तीर आपके पाओ में चुप गया आप उस तीर के लगने से शहीद हो गए कहा जाता है कि इस लड़ाई में सबसे पहले सयदिना तलहा ही शहीद हुए और जाहिर है उस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई थी लिहाजा ये तीर उनके किसी मुखालिफ ने छोड़ा था अली रजियाल को तलहा की शहादत की खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा हुआ आपकी शहादत का वाकया दस जमातुल अव्वल छत्तीस हिजरी में पेश आया उस वक्त उनकी उम्र चौसठ साल थी आपका कद दरमियाने से कदरे छोटा चेहरे का रंग सुर्ख सफेद बदन खूब भरा हुआ सीना चौड़ा था जरिया आमदनी तिजारत था हिजाज के बड़े ताजरों में शुमार होता था अपनी दौलत अल्लाह के रास्ते में लुटाते रहते जिस कदर वो अपना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाते थे अल्लाह ताला आपको उससे कहीं ज्यादा माल अता करता था यही वजह थी कि अपने पीछे लाखों दीनार और एक बड़ी जायदाद छोड़ी आपके दस्तरखान पर पर लोग खाना खाते थे मुख्तलिफ औकात में कई शादियां की, चार और ग्यारह लड़के पैदा हुए आपके सबसे बड़े बेटे को नबी सहाबी बनने का शरफ हासिल हुआ मुहम्मद बिन तलहा बहुत इबादत गुजार थे उन्होंने भी अपने वालिद के साथ जंग जमल में शहादत पाई सदना तलहा बहुत पाकिजा अखलाक वाले थे दयानत और सखी थे शुजात तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी सिला करते थे बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साथी थे कसरत से आपकी बातें सुनी लेकिन हदीस नकल करने में हद दर्जे एहतियात से काम लेते थे यही वजह है कि कुतुब अहादीस में उनसे रिवायत की गई अहादीस बहुत कम मिलती हैं। उस वक्त तक कोई हदीस बयान नहीं करते थे जब तक एक एक लफ्ज के बारे में यकीन नहीं होता था एक बार एक देहाती उनकी मौजूदगी में रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ उसने आपसे दीन के बारे में कई बातें पूछी फरमाते हैं उस देहाती के बाल बिखरे हुए थे वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा था आपने फरमाया दिन रात में पांच नमाजें पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है उसने पूछा क्या इसके अलावा भी कुछ नमाजें मेरे जिम्मे हैं आपने फरमाया तुझ पर और कोई नमाज फर्ज नहीं हाँ अपनी तरफ से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यानी नफल नमाजें फिर उसने रोजे के बारे में पूछा मेरे जिम्मे क्या है आपने फरमाया फकत तीस। अगर तू अपनी तरफ से रखना चाहे तो रख सकता है यानी नफली रोजे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे जक़ात का जिक्र किया उसने फिर कहा इसके अलावा भी कुछ देना मेरे जिम्मे है आपने फरमाया नहीं कुछ नहीं लेकिन अगर तू अपनी तरफ से कुछ देना चाहे तो दे सकता है इसके बाद आपने उसे दीन की कुछ और बातें बताई जब वो उठकर जाने लगा तो उसने कहा मैं अल्लाह की कसम इससे ज्यादा कुछ नहीं करूँगा आपने फरमाया, अगर उसने सच कहा, तो ये कामयाब हो गया आप बहुत समझदार थे पूरी तरह जवान नहीं हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का ऐलान फरमाया लोगों को राजदारी से इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया आप तक इस्लाम की दावत पहुंची तो फौरन कबूल कर ली बाप दादा के मजहब पर वापस लाने के लिए उन पर बहुत सख्ती की गई लेकिन उन्होंने तमाम सख्तियां बहुत सब्र और हौसले से बर्दाश्त की लेकिन अल्लाह के सच्चे दीन को किसी सूरत छोड़ने पर तैयार न हुए इस्लाम लाने के बाद उनकी खूबियां निखर कर सामने आई यहाँ तक के नबी सलम ने आपको खैर का लकब अता फरमाया बहादुर और दिलेर होने के साथ आप बहुत सखी भी थे एक पहाड़ के दामन में एक कुआ मुसलमानों के लिए खरीदा और लोगों को खाना खिलाया इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, तलहा, बेशक तुम बड़े फयास हो सईदना उमर रजी अल्लाह ने अपनी शहादत से पहले जिन छह सहाबा के नाम हुकूमत के लिए तजवीज फरमाए उनमें आपका नाम भी था लेकिन आपने अपना हक सयदना उस्मान रज्ला के लिए छोड़ दिया अल्लाह की उन पर बेशुमार रहमतें हों